अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे थे, जहां रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट और विकी कौशल को साथ में देखकर कई सारे लोग हैरान भी हुए थे। पर ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि रणबीर और कटरीना एक वक्त पर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। हालांकि अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफी खुश है। जहां कटरीना ने विकी कौशल के साथ शादी कर ली, तो वहीं रणबीर कपूर भी आलिया और अपनी बेटी राहा के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन आज भी जब इन दोनों को किसी इवेंट में साथ देखा जाता है, तो फैंस इनकी फोटोज और वीडियोस पर खास ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा मोमेंट मिल जाए जिससे कि एक बार फिर से उनको रणबीर कटरीना साथ दिख जाए। लेकिन ये लोग अपने आपस में काफी ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और काफी ज्यादा कम्फर्ट लेकर आ चुके हैं, जिस वजह से ये बात उनकी फोटोज और वीडियोज में भी दिखाई देती है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के चर्चे एक बार फिर से होने लगे? वेल, आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राम मंदिर का इनसाइड वीडियो है, जहां पर ये सभी लोग बैठे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कटरीना कैफ, विकी कौशल, रणबीर, आलिया, रोहित शेट्टी, आयुष्मान खुराना, ये सब इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जहां आलिया एक तरफ बात करने में बिजी है, तो वहीं रणबीर कपूर अपना फोन उठाते हैं और अचानक से सेल्फी लेने लगते हैं। सेल्फी लेते हुए कटरीना उनके पीछे बैठी होती हैं और ये मंजर कुछ इस तरह दिखाई देता है कि क्या रणबीर ने कटरीना के साथ चोरी चुपके सेल्फी लेने की कोशिश की, क्योंकि पहले लोगों ने सोचा कि भाई शायद रणबीर कपूर बैक कैमरा से वहां के विजुअल्स को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन हैरानी तब हुई जब उस सेल्फी के लिए कटरीना ने भी रणबीर की तरफ देखा और उस कैमरा को लुक दिया। उसके बाद वो विकी कौशल के साथ बातों में बिजी हो गई। लेकिन ये मंजर कुछ ऐसा लगा कि रणबीर कपूर यहाँ कटरीना के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कैमरा घुमा दिया आलिया अपनी बीवी की तरफ। वेल, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फैंस की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। फिलहाल दोस्तों, फैंस इस पर तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं रणबीर और कटरीना के इस वायरल वीडियो को लेकर। आपकी क्या है राय कॉमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्म बीट।